भाई आखिर किसने सोचा था वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला हिंदू अपने ही देश में हिंसक कहलाएगा। आखिर किसने सोचा था कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत सेलिब्रेट करने वाला हिंदू अपने ही देश में हिंसक कहलाएगा। भला किसने सोचा था कि सबसे ज्यादा सहिष्णुता रखने वाला हिंदू अपने ही देश में हिंसक कहलाएगा। भला किसने सोचा था कि अपने ही ऊपर उंगली उठ जाने के बावजूद भी हिंदू अपने ही देश में चुपचाप बैठेगा और अपने आप को हिंसक बोलने देगा, क्योंकि एक हिंदू ही है जो कि लॉजिकल टर्म्स पे जाकर बहस करने को प्राथमिकता देता है, ना कि इस बात को कि अगर आपके धर्म के बारे में, आपके मजहब के बारे में, आपके किसी के भी बारे में कुछ बात कही जाए तो आप सड़कों के ऊपर उतर के प्रदर्शन करने लगे, आगजनी करने लगे, पथराव करने लगे या किसी भी प्रकार का दंगा फसाद फैलाने लगे। ये बात हिंदू को नहीं सिखाई जाती है। मैं एक हिंदू हूं और शायद अब वो वक्त आ चुका है कि जो हम वक्त जो एक लाइन कहा करते थे ना हर वक्त कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, शायद अब उसको पीछे छोड़कर ये कहने का वक्त आ चुका है कि घमंड से कहो कि हम हिंदू हैं। क्योंकि हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा राजनीतिक पर्पस के लिए मौके मौके पर उठाया जाता ही है। मतलब इस बात को समझाने की भी जरूरत नहीं कि आखिर क्यों बार बार हिंदुओं को लेकर ही इतने ज्यादा घटिया बयान दिए जाते हैं। भाई उनको भी पता है बयान देने वालों को कि हिंदुओं को लेकर कुछ कहा जाएगा तो वो लॉजिकल टर्म्स पे आकर बात करेंगे, ना कि लड़ाई झगड़ा करेंगे या किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हिंदू अपने ही देश में जहां पर कि वो मेजॉरिटी में है उसको नीचा दिखाए जाने की कोशिश की जाती है, उसको छोटा बताया जाने की कोशिश की जाती है। एंड सबसे बड़ी विडंबना ये है, या हिंदुओं की सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अपने ही देश में मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी हिंदू ऐसी बात को लेकर वाकई में कोई बड़ा ऐसा मसला क्रिएट नहीं करते। आप देखेंगे कि आजकल जो ये हिंदू हिंसक है वाला जो पूरा बयान ट्रेंड कर रहा है, ये बयान कहीं ना कहीं लोगों को ट्रिगर जरूर कर रहा है, बट उसके बावजूद भी लोग एक डिस्कशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं कि भाई आपने जो ये बात कही है किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, क्यों कही है, या आपने ये बात गलत कही है, सिर्फ बातचीत चाह रहे हैं। इसको लेकर आप देखेंगे कि कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जबकि ये बात आप और मैं, हम दोनों भली भांति जानते हैं कि किसी और के इस प्रकार के किसी धर्म के बारे में कोई बात कही जाएगी तो भाई बातें किस कदर तक बढ़ जाती हैं और कई लोगों को नजरबंद होना पड़ता है, कई टेलरों के साथ क्या कुछ हो जाता है। क्या ये सब बहुत बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो मुद्दा भाई दरअसल ये है कि राहुल गांधी जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। एक लंबे समय के बाद में उनको एक ऐसा इंपॉर्टेंट पद मिला है। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है बहुत ही गरिमामय होता है, एंड भारत की राजनीति के इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो इस पद पे काफी बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने अपने स्थान रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष की तरफ से बात रखने के लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है वो काफी ज्यादा अहम होता है। इस बात की, इस पद की और इस पूरे घटनाक्रम की, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का जो भी प्रक्रिया होती है, इस बात की गरिमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विदेशों में नेता प्रतिपक्ष का जो ये पद होता है उसको एक शेडो पीएम भी कहा जाता है, जो कि सरकार के हर एक गतिविधि के ऊपर बिल्कुल पैनी नजर बनाए रखता है और सवाल पूछने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता। उसी पद के ऊपर विराजमान हो चुके हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस से आते हैं, पिछले दो टर्म से लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन था नहीं, क्योंकि कोई भी पार्टी 55 सीट जीतने में सफल नहीं हो पा रही थी। 10% सीटें चाहिए रहती हैं टोटल सीटों का अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो। लेकिन इस बार कांग्रेस ने दम भरी है, 100 से 1 सीट 99 सीटें जीतकर वो लोकसभा में आए हैं। एंड जाहिर सी बात है ताकत से बिल्कुल परिपूर्ण है, ताकत के नशे में उनको समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एंड उसी चक्कर में उनके मुंह से ये निकल गया। देखिए ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल होने वाला है कि आपके पास में क्यों वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि आप जब किसी के साथ में बातचीत करें, डिबेट करें, तो आपके पास में शब्द होने चाहिए। दरअसल होता यह है कि कई बार हम सोचते हैं कि यार शब्द कोई जरूरी चीज तो होती नहीं है, भाई बोलना क्या है, बोल लेंगे। लेकिन कई बार अगर आपको समझाते समझाते ये बोलना पड़े कि मैं आपको कैसे बताऊं, या फिर आप शब्दों का सही समय पर सही उपयोग ना कर सकें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा कमजोर है। और यहां पर यही चीज राहुल गांधी जी के साथ होगी। इससे पहले कि मैं दूसरे मुद्दों के ऊपर जाऊं कि राहुल गांधी जी ने किन मुद्दों के ऊपर क्या कुछ चीजें बोली और कैसे उनको टैकल किया गया या कैसे उनके झूठ का पर्दाफाश किया गया, पहले मैं आपको एक यही चीज बता देता हूं। राहुल गांधी जी जब अपने 90 मिनट के भाषण में कई सारी बातें कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने अग्निवीर योजना, किसान, नीट, अडानी अंबानी और कई सारे मुद्दों, करीब 20-21 मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात करी, तब उन्होंने इस मुद्दों के बीच में भगवान शिव की फोटो भी लेकर आए, गुरु नानक जी की भी तस्वीर लेकर आए, काफी सारी बातें उन्होंने कही। तो इन सब चीजों के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आया जब उन्होंने हिंदुओं को लेकर कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदू वो है जो कि हिंदू हिंसा फैलाता है। ये बात शुरू हुई थी ऐसे कि भाई हमारा जो देश है उसकी, हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी है
वो हमेशा से ही कभी भी हिंसा करने की नहीं रही। हम लोग कभी हिंसा नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में जो भी कोई है वो हिंदू हिंदू जो करता है वो हिंसा हिंसा करता है, ऐसी बात उन्होंने कही। हिंदुस्तान को लेकर राहुल गांधी ने जब बात शुरू करी तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ये संदेश दिया कि डरो मत डराओ मत, शिव जी कहते थे डरो मत डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरह जो लोग आपको हिंदू कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा 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 नफरत नफरत, अपने आप को हिंदू, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। अब राहुल गांधी के संबोधन के पीछे प्रधानमंत्री जी उठकर खड़े हुए और पीएम मोदी ने कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, हिंदू को हिंसक नहीं कहना चाहिए। अब देखिए इस पॉइंट पर राहुल गांधी को रियलाइज हुआ कि भाई गलती तो उनसे हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में ये नहीं कहा था कि बीजेपी में जो लोग हिंदू हैं वो खुद वो सिर्फ पूरे टाइम हिंसा 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 करते रहते हैं, और क्योंकि उन्होंने वो शब्द बीजेपी वहां पर इस्तेमाल नहीं किया, इस चक्कर में ये जो हिंदू शब्द है ये पूरे देश के हिंदुओं के लिए हो गया और अभी जो इस समय हम लोग देख रहे हैं ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां पर एक बात मैं और कहूंगा, राहुल गांधी जी ने यहां पर महादेव की तस्वीर दिखाकर कहा अपनी बात रखी, लेकिन जहां तक हमने बचपन से पढ़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मा जी को रचयिता कहा जाता है, विष्णु भगवान को जीवन देने वाला कहा जाता है और महादेव को जीवन लेने वाला या डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो यहां पर अगर ये कह रहे हैं कि शिव जी कहते थे मतलब ये अहिंसा वहिंसा की बात, तो यार वो थोड़ी सी कॉन्ट्रेडिक्टरी हो रही है। मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही कि हिंदू, क्योंकि महादेव तो कहते थे कि भाई जो भी कोई बुरा कर रहा है उसका तो नाश होना ही होना है, वो कितना ही कुछ कर ले उसका नाश एक दिन हो रहा ही। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था राहुल गांधी का। दरअसल वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि शब्दों की कमी के कारण या कुछ बोलने की जल्दबाजी के चक्कर में वो उन शब्दों को ले नहीं पाए एंड इवेंचुअली वो जो कहना चाहते थे वो चीज़ वो नहीं कह पाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी कई सारी बातें उठाई। सबसे पहले उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर बात करी, तो सबसे पहली बात तो ये कि कम से कम इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि राम जन्मभूमि में इसका मतलब ये है कि भैया राम भगवान वहां पैदा हुए थे, वरना इनके ही एक नेता हुए थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने एक बार ये सवाल कर दिया था कि भाई राजा दशरथ का महल तो इतना बड़ा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई महल के कौन से कमरे में बिल्कुल इसी जगह पर रामलला का जन्म हुआ था। इस तरह के सवाल पूछने वाली पार्टी अगर आज राम भगवान की बात कर रही, राम जन्मभूमि की बात कर रही, तो कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं एक नया राग भी इन लोगों ने पकड़ लिया है कि भैया अयोध्या जीत गए, भाजपा अयोध्या हार गई। लेकिन अगर हम लोग अयोध्या की लोकसभा सीट की बात करें तो पहली बात तो वो अयोध्या नहीं, वो फैजाबाद कहलाती है, और फैजाबाद की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 छोटे छोटे और संभाग आते हैं जिनमें से एक अयोध्या है। बाकी की बात करें तो बीकापुर है, रुदाली है, मिल्कापुर है और दरियाबाग है, उनमें से एक अयोध्या है। और उस अयोध्या को लेकर भी जो डेटा सामने आया है उसमें यही आया है बीजेपी को वहां पर ज्यादा ही वोट मिले थे। खैर अब बात वही होती है, लॉजिक की बात वहां करी जाती है जहां पर कि सामने वाला व्यक्ति भी लॉजिक की बात करने वाला व्यक्ति हो। वहीं अपने इस भाषण में इन्होंने मुआवजे को लेकर भी बात कही कि भाई अयोध्या के लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर पहले भी कई सारे क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं और मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ये चीज बताई है कि जो मकान तोड़े गए उसके लिए करीब 21,000 लोगों को करीब 1,735 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं एयरपोर्ट के लिए 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। ये मुद्दा भी इनको फिर कम पड़ रहा था, तो वही एक जो पुराना इनका राग है कि अंबानी अडानी वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। दरअसल इनका कहना था कि राम मंदिर में जब न्योता देने की बारी आई तब इन्होंने अंबानी और अडानी को न्योता दे दिया, लेकिन वही अयोध्या के जो लोग थे जो मजदूर थे उनको बुलाया नहीं। अब एक बात आप लोग की भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के ऊपर किस प्रकार से पुष्पों की वर्षा करी थी और किस तरीके से मौके मौके पर अयोध्या जाकर राम मंदिर में जो जितने भी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उन लोगों का अभिवादन वो लोगों ने किया था। पर बात क्या है कि एक नैरेटिव सेट करने की जब बारी आती है तब इंसान उस नैरेटिव को सेट करने के नशे में चूर होकर कुछ भी बोल जाता है और कॉन्टेक्स्ट की बात भी नहीं करता। इवन अंबानी और अडानी के इन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की बात करी थी उस समारोह में अंबानी जी तो गए थे पर अडानी तो गए भी नहीं थे। एंड सबसे बड़ी बात, आप जिन लोगों के जाने की बात कर रहे हो आपको तो न्योता भी गया था पर आप तो गए भी नहीं, आपके खुद के पार्टी के कई सारे लोग आपसे इस बात से नाराज हो गए। इवन जो इनविटेशन है वो नरेंद्र मोदी या भाजपा की तरफ से नहीं बल्कि ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए थे, तो यहां पर मोदी को घसीटने का तो कोई औचित्य ही क्रिएट नहीं होता। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही बात क्रिएट किया गया था, लेकिन उसको लेकर भी बात क्लियर कर दी गई ट्रस्ट की तरफ से कि उनको भी इन्विटेशन भेजा गया था। अच्छा, राम मंदिर और अयोध्या की बात कम हुई तो फिर ये अग्निवीर पर चक्के पहुंच गए कि अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो जवान शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, मरणोपरांत जो उनको कंपनसेशन का पैसा दिया जाता है आर्मी की तरफ से वो भी नहीं दिया जाता। मतलब इस प्रकार का झूठ फैलाने का इन्होंने सीधे सीधे काम किया, जबकि आप सोशल मीडिया या न्यूज वेबसाइट्स पर जाकर आप सिंपल सर्च भी करेंगे ना तो भी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे इस बात के प्रूफ के साथ में कि लोगों को कंपनसेशन इसके बाद में दिया जाता है। और 1 करोड़ 10 लाख का कंपनसेशन की बात उन लोगों ने कैमरे पर भी बताई थी।
इसके अलावा जो शहीद वाली बात थी उसको लेकर आर्मी ने साफ कहा था कि अग्निवीर या आर्मी के दूसरे जवानों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, लेकिन एक इनके यहाँ का एक्सटेंट आर्मी ऑर्डर 1967 है, उसके अंतर्गत यदि कोई जवान अपने आप को खत्म कर लेता है या इस प्रकार की कोई घटना होती है बस उसी के अंडर में उसको शहीद नहीं माना जाता है। वहीं किसानों को लेकर जैसे ही इन्होंने कहना शुरू किया कि भैया इनको MSP नहीं दी जाती है, इनका कर्जा माफ नहीं किया जाता, तो तुरंत वहां पर जो कृषि मंत्री हैं आजकल हमारे वहां पर मामा जी शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तुरंत खड़े होकर कहा कि MSP दी जा रही है तो इस बारे में जो ये झूठ है ये फैलाना बंद ही कर दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। मतलब आप समझिए ना, और उस बात को तुरंत राहुल गांधी ने भी समझा और तुरंत कहने लगे कि नहीं 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 हम तो कानूनी गारंटी की बात कर रहे थे एमएसपी की। अब कानूनी गारंटी की जब बारी आती है तब इनकी सरकार के समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी वो खुद इस चीज को नहीं कानूनी करना चाह रहे थे, तो शायद ये जवाब अपने पुराने समय से ढूंढते हुए आएंगे तो इनको शायद उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इस तरह के कई सारे मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी ने बातें करी, लेकिन आधी से ज्यादा बातें जो थी वो सिंपल सी बोगस बातें साबित हुई। कई लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो कितनी अपमानजनक है, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बातें आई, तो सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं जरा किसने क्या कुछ कहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी द्वारा सदन में हिंदुओं को हिंसक बुलाना करोड़ों हिंदुओं का अपमान, नेता प्रतिपक्ष मर्यादा को भंग करने वाले ऐसे विवादित और अत्यंत शर्मनाक बयान मैं कड़े शब्दों से विरोध करता हूं, इसके लिए राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छे सदैव हुए शब्दों में लिखा कि ये अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कि हिंदुओं के ऊपर जो कि हमेशा ही ब्रदरहुड की बात करते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हु डिस्पैच द इंडियन आर्मीज ब्रेवरी वाइल एक्सप्रेसिंग कंसर्न फॉर देयर वेलफेयर्स, एंड सबसे बड़ी बात जो इन्होंने वो फाड़ा था एक पन्ना उसको लेकर इन्होंने बात कही और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा वेलकम है। इसके अलावा इन्होंने कितने कहा है भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, ये हमारे यहाँ के CM है, इन्होंने कहा कि सेवरल कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग सीनियर लीडर्स ऑफ मध्य प्रदेश कांग्रेस लक्ष्मण सिंह हैव एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद व्हाट राहुल गांधी सेड, आई थिंक मल्लिकार्जुन खड़गे शुड गैदर डिटेल्स ऑफ दिस एंड स्पीक विद राहुल गांधी रिगार्डिंग हिज रेजिग्नेशन। इसके अलावा सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, ये चेयरमैन है ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के, ये लिखते हैं कि वाइल स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट टुडे राहुल गांधी हैज सेड अभ्य मुद्रा इज ऑल्सो देयर इन इस्लाम, देयर इज नो मेंशन ऑफ आइडल वर्शिप इन इस्लाम नॉर इज देयर एनी काइंड ऑफ मुद्रा, आई रिफ्यूट इट, देयर इज नो मेंशन ऑफ अभ्य मुद्रा इन इस्लाम एंड आई बिलीव दैट राहुल गांधी शुड करेक्ट हिज स्टेटमेंट। अब ये तो मतलब इस्लाम की तरफ से ही बात आ रही है सामने। इसके अलावा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा है कि हिंदू सी गॉड्स इन एवरीवन, हिंदूज आर नॉन वायलेंट एकोमोडेटिव एंड जेनरस, हिंदू से दैट द होल वर्ल्ड इज देयर फैमिली एंड दे शुड ऑलवेज प्रे फॉर एवरीवन्स वेलफेयर। योगी आदित्यनाथ जी ने इसके ऊपर कहा है कि राहुल गांधी स्टेटमेंट ऑन हिंदूज इज बियॉन्ड द ट्रुथ, ही शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ कंट्री, आई कंडेम द स्टेटमेंट ऑन ऑल्सो आस्क द कांग्रेस टू, मतलब इसके ऊपर जरा देखिए आप क्या हो रहा है भैया। कंगना जी नई नई जो आजकल बनी है बीजेपी की MP है, कहती हैं कि आई सेड राहुल गांधी डिड अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट बिकॉज ही मेड ऑल आर गॉड्स एंड गॉडेसेस ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कांग्रेस, ही सेड वो सब बातें, बहुत सारी बातें जो बहुत अरमा ने कही हैं। यहाँ पर चिराग पासवान जी ने कहा है कि नो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा विल टॉलरेट इट, यू कैन नॉट प्ले विद द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बींग द लीडर ऑफ अपोजिशन ही शुड पुट फॉरवर्ड हिज व्यूज बेस्ड ऑन द फैक्ट। इन सब के ऊपर कांग्रेस ने भी फिर ट्वीट करते हैं क्योंकि बचाना पड़ रहा था भाई, जो बात हो गई है उसको क्लियर तो करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी के पास हिंदू समाज का ठेका नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी के बचाव में आकर अंकित मयंग ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी सेड नथिंग रॉन्ग, ही सेड दैट बीजेपी एंड RSS आर नॉट इक्वल टू हिंदू धर्म, बीजेपी इंसल्टेड हिंदू धर्म बाय नॉट अलाउइंग हिम टू शो लॉर्ड शिवा पिक, उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। यूनाइटेड इंडिया विथ राधा, जयपुर डायलॉग्स ने कहा कि हिंदूज आर एग्रेशन एंड वायलेंट राहुल गांधी, व्हाट्स योर टेक ऑन राहुल गांधी स्टेटमेंट। शांतनु ने लिखा है कि आई कैन से ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ बीजेपी पीपल बट राहुल गांधी जी डिडंट से एनीथिंग फॉर द होल हिंदू कम्युनिटी, वी आर हिंदूज टू। देखिए दरअसल मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जो भी बात कही वो कही, उन्होंने जिस मायने में कही वही कही है, उन्होंने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करी थी, बट समस्या ये हुई जो मैंने आपको पहले वोकैबुलरी वाली बात बताई ना, वो अपने पहले स्टेटमेंट में बीजेपी को ऐड करना भूल गए। अगर वो बात यहाँ पर ये कहते कि बीजेपी में जो हिंदू है, बात तब भी गलत रहती, लेकिन जो बात वो कहना चाहते तब वो बात निकल कर आ जाती, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस चीज को जनरलाइज कर दिया, बस इस चक्कर में विरोध हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद जय भारत।